यहाँ पे ना 265 ईयर्स पहले यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई थी। आगे की स्टोरी बाद में बताऊंगा, थोड़ा लेट हो रहा है, मंदिर क्लोज ना हो जाए इसलिए। गाइस अभी ना प्रसाद ले लिया, अब चलते हैं सीधा मंदिर। तो गाइस हम ना इतनी लेट आए, यहाँ पे ना भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, रात हो गई है, बस सिर्फ 10 मिनट बचे मंदिर बंद होने में। एक बार रोड देखो गाइस, पूरा सुनसान, एक लाइट नहीं है रोड के ऊपर। पे टॉफी निकालने की देखो कैसे है, अगर आपको ये टॉफी चाहिए तो यहाँ से इसको हटाओ। तो गाइस एक बार हमारा ना होटल देखिए, मस्त एकदम। मैंने दिखा रहा, मैंने देखने दे रहा तेरे को। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार गाइज, डे स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल भसड़। एंड गाइज वो भसड़ क्या है यार, मम्मी ने आज सुबह बिरेन को छोड़ने गई। बेसिकली सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं जाता हूँ उसे छोड़ने, बट आज ना मैं रात को लेट सोया था, 4 बज गए थे मुझे सुबह के। तो मम्मी ने सोचा इसको डिस्टर्ब क्यों करूं, मैं ही छोड़ाती हूं। और रस्ते में गाड़ी हो गई पंचर, अब वो गाड़ी ना रस्ते में ही खड़ी है, मम्मी रस्ते में ही छोड़ के आ गई गाड़ी को। गाड़ी का पंचर लगवाने के लिए जाना पड़ेगा यार, अभी उठाऊं मैं अधूरी नींद में। और यार मेरे को है ना सोने भी इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग के अंदर कि हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो मैं आपको बता देता हूँ हम जा कहाँ पे रहे हैं। हम जा रहे हैं सालासर बालाजी राजस्थान, 200 किलोमीटर दूर जाना है। इसलिए मम्मी ने सोचा कि इसको क्यों ही उठाऊं मैं, ट्रैवलिंग भी करनी है इसको, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मैं जल्दी उठाऊंगी तो। और इसके चक्कर में पूरा ही हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ यार गाड़ी का पंचर लगवाने, सुबह सुबह पंचर लगवाया। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये जो व्हील कैप होती है ना, ये कहीं पे गिर गई, मम्मी से पता नहीं कहाँ गिर गई पंचर होके, ये था यहाँ पे पंचर यार। इतना पंचर लगवा के घर पे तो पहुंच गया। एंड यार रात को ही मैंने जितनी भी मेरी एक्सेसरीज थी ना, कैमरा ड्रोन वगैरह सब कुछ चार्ज कर लिया था, बस अब बैग में रखना है और दिन में निकलना है। 3 बजे के अराउंड निकलेंगे हम इस ट्रिप पे। इस बार हमारे साथ में जा रहा है मनोज, मनोज मेरे साथ 10th क्लास में साथ है, और धीरज। धीरज तो जरूरी होता भाई, धीरज के बिना ट्रिप अधूरी होती है, ये पता नहीं क्यों ही भोक रहा है। Many hours later. गाइस अभी ना दोपहर के 3 बज चुके हैं। एंड यार हमारा जो प्लान था ना वो यही था कि हम 3 बजे निकलेंगे, बट यार आज सबसे पहले मैं रेडी हो गया हूँ ना, तो और जो बाकी है ना वो रेडी नहीं है। मनोज जो है ना वो रेडी नहीं हुआ है, तो उसको अभी 20 से 25 मिनट और लग जाएंगे मेरे घर तक आने में। तो यार सब कुछ सेट है एकदम, मम्मी भी आ चुकी है अब तो घर पे, बैग भी पैक कर लिया, दो बैग लेके जाने पड़ते, एक ये रहा एक ये रहा। गाइस अभी ना कॉफी पी रहे हैं हम यहाँ पे। एंड यार धीरज भी आ गया है उधर, तो बस कॉफी पी के हम यहाँ से निकल रहे हैं। मनोज आ जाता है बस, वो पता नहीं गोली दे रहा है हमें या क्या कह रहा है, कह तो रहा है कि निकल लिया घर से, बिरयान पटा रहा है मेरे को जाने के लिए, अब नहीं लेके जाएगा। क्या संडे, तो फिर संडे है, तो फिर ओबी संभालो बेटे संभालो ओबी बाय। तो यार गाइज हम ना यहाँ पे चौक है हमारे घर के पास में, वहाँ पे जा रहे हैं, वो आया ही नहीं अभी तक, बल्कि मैंने ही बोला कि भाई तू मेरे घर पे मत आइयो, बाहर ही मिल जाइयो, लेट है भाई, उसने लेट करवा दिया आज पूरे 1 घंटे लेट। शर्म नहीं आई तेरे को भाई, शर्म नहीं आई, 10 मिनट का नाम लेके तूने 2 घंटे खराब कर दिए भाई, संभाल लिया। तो यार गाइज गाड़ी में बैठ के बात करते हैं आपसे, चलो भाई चलो भाई, ऑलरेडी लेट करवा दिया। धीरज भाई अब यू मत कह क्या हुआ। तो यार गाइस भाई अब तू चल ले यार। गाइस बड़े ना रिस्क पे जा रहे हैं, एक्चुअली रिस्क क्यों हो गया, 8:30 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है, गूगल मैप्स पे दिखा रखा है टाइम पूरे 5 घंटे का, और अभी ना हमें यहाँ पे 4 बज चुके हैं, 4 से 8:30, हमें थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, थोड़ी गाड़ी खींचनी पड़ेगी हमें रास्ते में। तो यार हम सोच रहे कि आज ही दर्शन कर ले, हम सोच रहे कल ना करें क्योंकि कल हम बीकानेर निकलने की सोच रहे रात में ही, बल्कि दर्शन करके, तो इसलिए अभी निकलते हैं बस यहाँ से। पेट्रोल डलवा रहे हैं और काफी लेट हो गए, और मैं हूँ ड्राइविंग सीट पे, तो यार मैं ही चलाऊंगा गाड़ी। एंड यार दूसरी सबसे बड़ी चीज, गाड़ी भी नहीं है, थोड़ी ध्यान से चलानी पड़ेगी यार, मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी खींच लेंगे बट थोड़ी प्यार से चलानी पड़ेगी। गाइस समझ से बाहर सो रहा है भाई, सीटें चेंज हो रही है जब से चले है ना, जब से कभी कोई कह रहा है ले भाई मैं चलाऊंगा, कभी कोई कह रहा है मैं चलाऊंगा, भाई क्या चक्कर है, सारे के सारे आज है ना वो बन रहा है भाई डिलीवर खान। गाइस अभी ना 5:40 हो चुके हैं, 5:40 शाम के। एंड यार टाइम थोड़ा सा कम दिखाया गूगल मैप्स पे, 1/2 घंटा हमने थोड़ी सी खींची है गाड़ी जब कहीं जाके। एंड सबसे बड़ी चीज़ पता क्या, हमारी जो गाड़ी है ना बिल्कुल नई है भाई, सीट की पन्नी भी नहीं उतरी अभी तक, तो बिल्कुल नई गाड़ी है, भाभी तो... की गाड़ी है भाई, भाभी की गाड़ी है। ओए ऐसे मत कह यार तू, भाभी भूभी गाड़ी नहीं है, अब भाई चला रहा तो भाई की गाड़ी देख भाई, मच्छर देख कैसे लग रहे हैं। तो यार गाइस अभी रुके हम यहाँ पे शीशा साफ करने के लिए, पूरा शीशा बहुत गंदा हो गया, मच्छर चिपट गए इसके, देखा ना ऊपर मच्छर भाई, मच्छर भाई ये इसलिए आई भी कैसे है भाई,
गाइस बिल्कुल है ना ऐसे लेके आए हवाई जहाज बना के गाड़ी को। तो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं सालासर बालाजी। एंड यार वक्त से पहले मेरे को लग नहीं रहा था कि हम पहुंच पाएंगे, बट पहुंच गए हैं। तभी रुकते हैं, प्रसाद लेते हैं। कैसे हो भाई? जय श्री राम भाई। 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है। अच्छा भाई आजा। तो यार गाइज ऐसे लेके आए गाड़ी, देखना नंबर प्लेट, देखो टेम्परेरी नंबर प्लेट भी हट गई इसकी यार। भोग लगा के हाँ। किसी को जुंठा मत करना, भोग लगा के वापस रिटर्न ले आना। अच्छा बाकी जो वेट होगा ना उसमें भोग मिला देंगे। तो भोग लगेगा मेरे भाई? लगता है वो निकल के वो जो उधर वहाँ। तो गाइज हम फाइनली पहुंच गए और भाई के पास आए। लास्ट टाइम भी आगे की स्टोरी बाद में बताऊंगा, थोड़ा लेट हो रहा है, मंदिर क्लोज ना हो जाए इसलिए। गाइज अभी ना प्रसाद ले लिया, अब चलते हैं सीधा मंदिर। और सिर्फ हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट में हमें एंट्री भी लेनी है, दर्शन भी करने हैं और वापस भी आना है। बोल सालासर महाराज की। तो गाइस हम ना इतनी लेट आए हैं, यहाँ पे ना भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, रात हो गई है, बस सिर्फ 10 मिनट बचे मंदिर बंद होने में। तो बस चले जा रहे तेज तेज, चलो 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 चलो। तो भी ना अच्छे से दर्शन हो गए। एंड यार अभी चलते हैं बाहर। और धीरज मेरे ऊपर गुस्सा है, पता नहीं क्यों गुस्सा ही बात जब वहाँ पे मनाल कर रखी वो बंद हो गए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। ये गुस्सा हो गया, ये गुस्सा हो गया यार, ये गुस्सा हो गया धीरज गुस्सा। तो यार यहाँ पे आने के बाद है ना, मैं बता रहा हूँ ना, एक अलग ही वाइब आती है। आजकल की जनरेशन का मुझे पता नहीं, मतलब कि 50% या 60% जनरेशन इतना कुछ नोटिस नहीं करती, इतना बिलीव नहीं करती। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको भाई, जो नेक्स्ट लेवल पीस, धन्य हो गए हम यहाँ पे आके। हमें ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि यार हम बहुत ज़्यादा लेट चले थे घर से, बट बालाजी महाराज ने हमारी सुन ली। और बोलते हैं ना, जब उसकी मर्जी चलती है ना तो भाई सब फीके पड़ जाते हैं। तो मम्मी कह रही थी कि यार जब हमने फ़ोन करा जब तो 70 किलोमीटर जब मैंने फ़ोन करा था आपका, हाँ कुछ भी कहो। गाइस हम ना बेसिक स्पीड में आए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा ही स्पीड में आए, 100-110 ऐसे। लेकिन हम ना बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तरीके से, ऐसा नहीं झूठ बोल रहा है। ठीक है फिर भी झूठ बोल रही है ना। इसे बोलते हैं पावर। यार गूगल मैप्स पे 5.5 घंटे का रास्ता दिखा रखा था, हमने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी कि हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। हम रेवाड़ी से चले थे ना तो टाइम दिखा रहा था कि हम 9:30 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे, मंदिर क्लोज हो जाता है 8:30 बजे। भाई मुझे नहीं पता कि रास्ता छोटा हुआ है या मंदिर हमारे नज़दीक आ गया, लेकिन हम बिल्कुल टाइम पे 8 बजे पहुँच गए, 30 मिनट पहले, और अच्छे से दर्शन भी हो गए। अच्छा और कब की बात है ये, कब की बात है ये? 265 साल पूरे, मतलब कि 265 साल पहले यहाँ पे यहाँ पर स्थापना हुई थी मंदिर की। तो गाइस यहाँ पे ना 265 ईयर्स पहले यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई थी। तो लगभग लगा लो 1800 सन में, 1800 में यहाँ पे स्थापना हुई थी मंदिर की। तो यार गाइस मैं यहाँ पे ना पहले भी आया हूँ, और प्रसाद जो है ना हम भाई से ही लेते हैं, तो इनसे मैंने पहले बात कर ली थी कि इनको मैंने बोला था कि 6 बजे पहुँच जाएंगे हम, बट लेट ही हो गए थे। लेकिन हाँ दर्शन हो गए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि दर्शन हो गए। हमें डर लग रहा था कि आज हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि यार हम सोच रहे थे कि आज ना रुके यहाँ पे, हम आज ही रात को बीकानेर के लिए निकल जाते हैं। नहीं बस थैंक यू सो मच भाई। तो गाइस अभी ना हम बस यहाँ से निकल रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा बीकानेर। बीकानेर से पहले एक बार बीच में रुक के स्टॉप लेंगे, खाना खाएंगे, भाई आपसे मिलते हैं दोबारा कभी, फिर दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना सपोर्ट करा हमें। पानी और स्प्राइट लिया है, क्योंकि यार जब से रेवाड़ी से चले हैं जब से एक बूंद पानी तक नहीं गया गले के अंदर, कुछ नहीं पिया हमने, क्योंकि गाड़ी के अंदर पानी नहीं लेके आया। भाई पानी लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए, तुम तो ऐसे ही हो भूखे प्यासे। लो तो गाइज अभी ना अंजनी माता के मंदिर जा रहे हैं। पर सालासर बालाजी महाराज का जो मंदिर है ना, उससे सिर्फ 100 मीटर या 150 मीटर दूर ही अंजनी माता का मंदिर है। कहते हैं कि यार अगर यहाँ पे नहीं होके गए ना तो अब यात्रा पूरी नहीं होती। तो यार अभी ना मैं जा रहा हूँ अंदर, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, वो देखिए वहाँ पे गाइज।
अच्छे से दर्शन हो गया, अब चलते हैं। और यहाँ पे ना गाइज तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है यहाँ पे, बट वो ना बंद हो चुका है। गाइज ये देखो वहाँ पे मंदिर लिखा हुआ है ना, तिरुपति बालाजी बंद है वहाँ पे। हम यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हनुमान जी की बड़ी प्यारी मूर्ति है, तो यार यहाँ पे ना ड्रोन उड़ाते हैं। ड्रोन शॉट्स चेक करें गाइस आप, ड्रोन शॉट्स। रोड देखो गाइस पूरा सुनसान, एक लाइट नहीं है रोड के ऊपर। अभी तो जंगल वहां से होकर आया, जंगल में से होकर आए गाइस। शूट भी नहीं करा मैंने जंगल में, क्योंकि डर इतना लग रहा था तीनों को। पूरे जंगल में ना हमारी गाड़ी चल रही थी अकेले। दोबारा से सीट चेंज हो रही है, ड्राइव करेंगे हम भाई रात में। सबसे बड़ी चीज यार अभी तक खाने को कुछ भी नहीं मिला हमें, कोई होटल नहीं मिला है। ये क्या है, चॉकलेट दे रहे हैं पर। फाइनली हमें ना एक ढाबे टाइप में मिला छोटा सा, भूख लग रही है बहुत तेज। इतने दूर आ गए हम एग्जैक्ट, अभी लगा लो हम 120-130 किलोमीटर आ गए, लेकिन हमें ना कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला रास्ते में। तो ये एक मिला, अब जैसा भी है ना जो भी है ना खाना पड़ेगा भाई, बहुत तेज भूख लग रही है। इतना कष्ट मत करो, बस खाना ला दो, हमें भूख लग रही है बहुत खतरनाक। जल्दी भाई जल्दी, आगे जाना है हमें दूर। या आपको जो लानी है ना आप वो ले आओ, बस ले आओ, खाना खाना है हमने भाई। ये क्या सेव टमाटर मतलब, अच्छा आप समझ में आई ये देख के मुझे क्या। तो गाइज यहाँ पे ना सेव टमाटर मिलता है, ये पता क्या है बेसिकली बेसन की नमकीन जो होती है ना उससे सब्जी बनती है यहाँ पे राजस्थान में। रात के ना कितने बजे रहे भाई, 11। तो यार गाइज 11 बजे आलू के पराठे खा रहे हैं। तो यार कुछ और, तो 12 बज गए, तो यार कुछ और तो मिला नहीं हमें खाने के लिए, हमने आलू के पराठे लिए विद दही रात को, धीरज की चॉइस पे। प्याज गिरा ले भाई तू तो पहले, हमने ना फर्स्ट टाइम ये सब्जी ट्राई करी। एंड गाइस लिटरली बता रहा हूँ मैं तो दीवाना आ गया सब्जी का, एक नंबर की सब्जी है। सेव टमाटर विद मसाला ये है इसका नाम पूरा, एक नंबर की चीज़ है। तो गाइस अगर आप भी राजस्थान आ रहे हो ना ये ट्राई जरूर करना, जो भुजिया होती है ना जिसको नमकीन बोलते हैं उससे बनती है ये। यहाँ पे टॉफी निकालने की देखो कैसे है, अगर आपको ये टॉफी चाहिए तो यहाँ से इसको हटाओ, जितनी टॉफी चाहिए उतनी लो, यहाँ पे इसको बंद कर दो। यार अभी ना सेंटर फ्रेश दिया मैंने, अगर मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं करा था ऐसा कि ऐसा डिनर मिलेगा। एक चीज़ होती है यार, पूरे दिन हम बाहर रहते हैं ना, अगर हमें खाना अच्छा मिल जाता है ना हमारा दिन बन जाता है। तो यार यही चीज़ हुई, मेरे को तो टेंशन हो रखी थी कि राजस्थान में अच्छा मिलेगा, नहीं यार एक नंबर की चीज़ भाई। यहाँ पे भैया जो होटल को संभाल रहे पूरा, थैंक यू सो मच, अच्छा था भाई खाना। भाई कॉपीराइट लगवाओगे क्या? And do you see you got me falling in more times than I can get out. Finally हम बीकानेर पहुंच गए हैं। एंड यार अभी ना हमने यहाँ पे होटल लिया हमारा। Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. बस हम ले जाएंगे भाई, यार क्यों परेशान हो रहा, खुद ही ले जाएंगे वैसे हम। अलाउड नहीं है? नहीं कपल अलाउड नहीं है भाई। तो यार गाइस यहाँ पे कपल अलाउड नहीं है भाई, अगर कोई अनमैरिड बंदा आ रहा है ना मत आना भाई, हम तो सही है भाई, अनमैरिड हम तो अनमैरिड है। तो गाइज एक बार हमारा ना होटल देखिए, मस्त एकदम फुल राजस्थानी लुक भाई। किसने बुक करा था, किसने करा बुक? क्रेडिट मिलना चाहिए भाई मेरे को, भाई मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए। मैंने करा भाई होटल बुक। अभी आएंगे या फोटो खिंचवाएंगे रात के 1 बजे लग्जीरियस रूम। क्रेडिट भाई क्रेडिट मेरे को दे, मैंने बुक करा है भाई। ये भाई आसाम से भाई, देखना स्ट्रगल देखना तू यहाँ पे आके जो लाइफ ब्रो, हम मतलब यहाँ पे घूम रहे हैं, ये यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो यार गाइस ये चीज तो है, मतलब इतनी दूर से कोई यहाँ पे आके जॉब कर रहा है आसाम से। कहाँ पे आसाम और कहाँ पे बीकानेर, क्या चाहिए तेरे को? अब निकलना यहाँ से, मैं बढ़िया स्नैप भाई ना यार, शीशा मार, इसको शीशा मिल गया यार, हटना नहीं पर हट जाना, नहीं हट रहा मैं, दिखा रे दिखा दे यहाँ पे भाई, मैंने दिखा रहा, मैंने देखने दे रहा तेरे को। गाइज गाइज फोटो खींच के स्नैप भेज रहे हैं। तो यार गाइज अभी ना हम रूम पे पहुंच गए, अभी अपनी करते नींद पूरी। मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे बीकानेर घूमने, भाई से पूछेंगे क्या क्या चीज यहाँ पे फेमस है, सारी की सारी कवर करेंगे जो भी फेमस चीज है। तो यार अभी ना इस ब्लॉग को हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी की वीडियोज के लिए देखते रहिए धीरू बीरू ब्लॉग्स। राधे राधे। लिटरली गाइज ये ना धीरज पागल हो चुका है शीशे को देख के भाई, जब से आया जब से मैंने एक फोटो ना खींचा। क्या करेगा फोटो का, क्या करेगा क्या करेगा, रिश्ता नहीं होना वैसे भी तेरा। तू के करा, मैं इंस्टाग्राम पे लगाता हूँ।
भाई ये क्या करना चाह रहा है तू? वीडियो बना रहा है इसकी।